Siempre son ellos. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde va el permiso? ¿Dónde va el tarjeta para eso? बिल्कुल आवाज बंद करिए जो है, अपने मोबाइल को बंद कर लिया करोगे कि हो सकता है वचन के दौरान किसी का फोन आ जाए। ये भी वचन करती कि मुझसे बढ़कर जो किसी और से प्रेम करता है वह मेरे राज्य के लायक नहीं। और आज आप उस प्रभु के वचन को सुने, उसके मुखार बिंद के निकले हुए सत्य को सुने, और सत्य के दौरान आपका फोन आ गया, पति का फोन है, भाई का फोन है, तुरंत फोन उठा लोगे। आप ये ध्यान नहीं दोगे मैं वचन सुन रहा हूं, आपको ये ध्यान होगा पहले फोन उठाओ, पता नहीं कैसा इमरजेंसी फोन है। लेकिन वो कहता है कि आप मेरे राज्य के लायक नहीं है, इससे भला है कि आप फोन बंद करके रखा करोगे जब तक वचन चलता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है, लूका 10 के 19 में लिखा है कि प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सर्प और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सर्प और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं, शत्रुओं के सारे सामर्थ्य अधिकार देता हूं। ये तुम बेस्तर चीज भी पी लो तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, परंतु इसमें खुश ना होना कि आत्मा हमारे, परंतु इसमें खुश हो जाना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिख दिए गए हैं। हालेलुया, 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 मैंने तुम्हें सर्प और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार दिया, शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पे अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया। पहला अधिकार ये उसने अपने चेलों को दिया है तो दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया उसने, जो पहला अधिकार उसने दिया। शत्रु कौन है, मनुष्य का शत्रु कौन है, मानव जाति का शत्रु कौन है? वह शैतान है जो आपके मन में धुए हुए विचार लाता है, आपके मन के अंदर ऐसी भावना को डाल देता है कि भाई भाई की हत्या कर रहा है, पड़ोसी की हत्या कर रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े, गांव में लड़ाई झगड़े, कोई जाति पात के नाम पे लड़ाई झगड़े कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े कर रहा है, नाना प्रकार का चीज जो विवाद पैदा करने वाली आत्मा है वह शैतान, जो विवादित आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तो प्रेम की आत्मा होती है, भगवान की आत्मा प्रेम की आत्मा होती है, वह लोगों से प्रेम करना सिखाती है कि हर मनुष्य से प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि शत्रुओं के सारे सामर्थ्य को तुम्हें अधिकार देता हूं, शत्रु कौन है मानव जाति का? वह शैतान है जो मनुष्य को भरमाता है, बुरे मार्ग को दिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मन के अंदर हम पैदा करता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी अपने आप में हम पैदा करने वाला वह शैतान, जबकि मनुष्य कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है कि हे मनुष्य तू है ही क्या, हे मनुष्य तू है ही क्या, भाव के समान थोड़े देर दिखाई पड़ता है, उसके बाद लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कहां खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भाव के समान है चंद दिन के लिए, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 75 साल, ध्यान देना,
की युवा पीढ़ी लास्ट है 75 साल 70 75 जाते जाते गायब। कोई 60 में कोई 55 में। एक चंद्र दिन का है, कब पैदा हुए, कब जवान हुए, कब बूढ़ा हो गए, कब खत्म हो गए, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु कहता तू भाप के समान थोड़े देर दिखाई पड़ रहे हो। और ये थोड़ा ही देर में मनुष्य इतना उभर जाता है, अपने आप में सोचता है कि मेरे समान कोई नहीं है। और वह कहने वाला वो आदमी नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ वह शैतान है, जो उसके शरीर और आत्मा दोनों को घात कर रहे हैं, शरीर और आत्मा दोनों को घात कर रहे हैं। उसके अंदर इतना काफी जो है, इतना काफी उसके विचारों को जो है क्या कर रहा है, बुराई की तरफ दौड़ा रहा है। अब मनुष्य बुराई की तरफ दौड़ता है और जल्दी से नष्ट हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए जो कोई पाप करेगा वह मरेगा।